दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को शायद नहीं है पुलिस प्रशासन का डर। परिजन कई दिनों से पुलिस प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। कानूनी क्रियाकल्पों को अपनाते हुए रानीपुर पुलिस ने आरोपी के घर की कुर्की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस ने जब आरोपी के घर का सामान कुर्क किया तो परिजन बिलक बिलक कर रोने लगे। पुलिस प्रशासन ने कहा कि यदि दुष्कर्म का आरोपी नहीं आया गिरफ्त में तो अन्य बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीते दिनों कोतवाली रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत पंचपुरी में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा है। आरोपी के परिजनों पर उसको छुपाने का आरोप भी लगा है। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने महिला उप निरीक्षक ज्योति नेगी और सुमन नागर चौकी इंचार्ज अनुरोध व्यास के नेतृत्व में कोर्ट से प्रपत्र तैयार कराकर आरोपी के घर की चल संपत्ति को कुर्क कर लिया। बताते चलें कि पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी के परिजनों को पहले भी कई तरह की चेतावनी और अल्टीमेटम दिए गए थे, जिस पर परिजनों ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और दुष्कर्म के आरोपी को छिपाए रखा। पुलिस ने गांव में बुनियाद कर चल संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर घर की संपत्ति सामान को कुर्क कर लिया। वही मामले की जानकारी देते हुए छानबीन कर रही महिला उप निरीक्षक ज्योति नेगी और सुमन नगर चौकी इंचार्ज अनुरोध व्यास ने बताया कि हमारे द्वारा पहले दुष्कर्म के आरोपी के परिजनों को पूर्व में ही इस कुर्की के संबंध में बताया गया था, लेकिन दुष्कर्म आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है, जिस कारण कुर्की की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। यदि आरोपी अब भी गिरफ्त में नहीं आता तो अन्य कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार से इंतजार रजा, न्यूज़ वाले इंडिया।